उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कोरोना वायरस को लेकर जहां प्रशासन अलर्ट है, वहीं दुकानदार भी अपने ग्राहकों को मास्क पहनने की अपील करते नजर आ रहे हैं। अमरोहा में अब तक 7 लोगों की रिपोर्ट में पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है और प्रशासन ने 3 मोहल्लों को सील कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में प्रशासन तो लोगों को जागरूक कर ही रहा है। अमरोहा में मेडिकल स्टोर, सब्जी के दुकानदार, किराना स्टोर और खाद बीज के दुकानदार ग्राहकों को जागरूक कर रहे हैं। सैदन गली कस्बे में जब दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ ग्राहक बिना मास्क लगाए आते हैं तो हम उनसे अपील करते हैं कि वह अगली बार अगर बिना मास्क के आए तो हम आपको सामान नहीं दे पाएंगे। हालांकि ज्यादातर लोग मास्क लगाकर ही घर से जरूरत के सामान लेने निकल के आते हैं, लेकिन अगर कोई बिना मास्क के सामान लेने आता है तो दुकानदार उनको हिदायत देते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बिना मास्क के घर से कोई भी सदस्य बाहर ना निकले, मास्क जरूर होना चाहिए और 1 मीटर की दूरी से ही सामान खरीदे जिससे हम इस बीमारी से लड़ सके। आपको बता दें कि दुकानदारों ने दुकान के आगे गोल घेरे बना रखे हैं जिनकी दूरी 1 मीटर है। गोल घेरों में ग्राहक आकर खड़े होते हैं और उसके बाद एक एक करके दुकानदार उनको जरूरत के सामान देते हैं। अमरोहा जनपद में अब तक 7 लोगों को कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। प्रशासन ने जनपद में गांव फतेहपुर माफी व गुजरोला थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर मोहल्ले समेत अमरोहा नगर में भी 1 मोहल्ले को पूर्ण रूप से सील कर दिया है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर अमरोहा का प्रशासन जहां पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, वहीं अमरोहा के दुकानदार भी लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि किराना स्टोर हो या सब्जी की दुकान या खाद या बीज की दुकान या मेडिकल स्टोर हो, उन पर जो ग्राहक आते हैं तो दुकानदार जो हैं उनको जागरूक करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आप बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरतमंद सामान जो लेने आप कहीं भी बाज़ार या कहीं भी जाते हैं तो जो है मास्क लगा कर जाएं। अगर घर से कोई भी सदस्य बाहर जाता है तो मास्क ज़रूर लगा होना चाहिए। बता दें कि अमरोहा जनपद में कोरोना वायरस की 7 लोगों को अब तक पुष्टि हो चुकी है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जहाँ पर जिन लोगों को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है उन जगहों को प्रशासन ने जो है सील कर दिया है। अमरोहा से मोहम्मद आसिफ, हिंदी खबर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। अच्छा, देखिए आप एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो जो ग्राहक आते हैं बिना मास्क वाले भी आते होंगे, तो क्या हिदायत आप उनको देते हैं? हमारी हिदायत ये रहती है उन लोगों से कि भाई मास्क लगा करके आए और 1 मीटर की दूरी बना करके रखें। इसमें हमारे लिए कामयाबी है, हम कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो 1 मीटर की दूरी बना करके ही रखनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अच्छा, देखिए आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो जो लोग आते हैं इस लॉकडाउन में आते हैं तो मास्क को लेकर क्या अपील करते हैं आप उनसे? अपील करते हैं भाई, ये जरूरी है, बहुत ज़्यादा बीमारी में लाभप्रद है, इसका फायदा होगा लगाने से। गवर्नमेंट भी एक्शन करे, इसके लिए जरूरी है, लगाना फायदेमंद है। अच्छा, कितनी मतलब जो यहाँ ग्राहक आते हैं तो कितनी दूरी यहाँ पर रहती है? हमने घेरे बना रखे हैं सामने अपने कस्टमर। क्या नाम है आपका? राजीव। अच्छा, देखिए जो इफको किसान सेवा केंद्र पर रहते हैं आप, तो क्या किसानों को हिदायत देते हैं इस महामारी से बचने के लिए? किसान कहते हैं आप ये 1 मीटर पे गोले बना रखे हैं, उस पर खड़े हो और मास्क लगा कर आओ और पानी की व्यवस्था कर रखी है हमने, साबुन है, हाथ धो, सैनिटाइजर है, हाथ धो के तो खाद देते हैं और अंदर जो है एक एक किसानों को बुलाते हैं और उन्हें सब पूरी जानकारी। मेरा नाम शुभम अग्रवाल है और मैं ग्राम सैद नगली जिला अमरोहा का निवासी हूं और हमारे यहां पर एक छोटी सी किराना स्टोर की दुकान है और हमारे यहां पर जो भी ग्राहक आते हैं हम उन्हें सैनिटाइजर लगाने की और मास्क लगाने की सलाह देते हैं और ये भी आशा करते हैं कि वे सभी मास्क लगा कर आए और उनसे कहते भी हैं कि जो मास्क लगा कर नहीं आ रहे हैं वो इस समय तो आ गए हैं लेकिन आगे भी मास्क लगा कर आए और जब भी घरों से निकले तो अपनी एहतियाती बरते। क्या नाम है आपका? हाँ जी, हमारा नाम छत्रपाल सिंह सैनी, सैदने गली। अच्छा, देखिए जो सब्जी की दुकान है आपकी तो कैसे लोगों को हिदायत दे रहे हैं इस लॉकडाउन में? अगर मास्क वालों को सब्जी नहीं दे पा रहे हैं बिल्कुल भी, हम कह रहे हैं आपकी सुरक्षा हमारी भी सुरक्षा और सभी की सुरक्षा है इसमें। अच्छा, दूरी बनाने को लेकर क्या? कम से कम 1 मीटर से ज्यादा दूरी बनाने के लिए कहते हैं, हमने गोल घेरे काट रखे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? विश्वास। देखिए आप जो सब्जी की दुकान है आपकी, आप यहाँ पर हैं
तो जो लोग बिना मास्क वाले आते हैं उनको क्या क्या वो कर रहे हैं आप, क्या हिदायत है? हम उन्हें मना कर देते हैं, बोले मास्क लगा कर आइए नहीं तो सब्जी नहीं मिलेगी। और जो है अपने हमने घेरे बना रखे हैं एक एक मीटर की दूरी पे, उन्हें घेरे में खड़ा करते हैं और जो है नंबर पर सब्जी देते हैं, सही दामों में सब्जी दे रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कराया, जितना हम जो हो सकता है इतना हम जो है उन्हें कम से कम देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ प्रशासन के लोग आते हों, क्या अपील करते हैं आपसे? यहाँ प्रशासन के लोग आते हैं, प्रशासन के लोग यहाँ आकर जैसे चार जने इकट्ठा हैं उन्हें दूर दूर करते हैं और जो है बिना मास्क वाले को डांटते हैं, अपने जो अलग अलग रहो अपने घरों में रहो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.